हे दोस्तों, रिचर्ड वाइजमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने लोगों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। एक ग्रुप में वो लोग थे जो लोग अपने आप को लक्की समझते थे, जबकि दूसरे ग्रुप में वो लोग थे जो लोग अपने आप को अनलक्की समझते थे। नाउ रिचर्ड ने उन ग्रुप्स के लोगों को एक न्यूज़पेपर में कितने फोटोज है ये काउंट करने का टास्क दिया, जिसका रिजल्ट ऐसा आया कि जो लोग अपने आप को अनलक्की मानते थे उन्होंने एवरेज 2 मिनट्स लगाए एक एक करके फोटोज गिनने में, जबकि जो लोग अपने आप को लक्की मानते थे उन्होंने बस कुछ ही सेकंड्स में पता लगा लिया कि न्यूज़पेपर्स में कितने फोटोज थे। नाउ ये कैसे हुआ? वेल, ये हुआ बिकॉज बात ये थी कि न्यूज़पेपर के सेकंड पेज पे ही एकदम बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ था कि काउंट करना बंद करो, न्यूज़पेपर में टोटल 43 फोटोज है। और तो और वहाँ बीच में ये भी लिखा हुआ था, अगर ये लाइन आप मुझे दिखाओगे तो मैं आपको $250 दूंगा प्राइज में। लेकिन अनलकी लोगों ने वो भी मिस कर दिया, जबकि लकी लोगों को वो मिला भी और उन्होंने प्राइज भी जीता। इसलिए कंक्लूड करने के लिए देखे तो आप कितने लकी हो ये डिसाइड होता है इससे कि आप अपने सराउंडिंग की अपॉर्चुनिटीज को कैसे देखते हो। और इसी अपॉर्चुनिटी के चांसेस को बढ़ाने के लिए आज मैं आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करूंगा हाउ लक हैपन इस बुक से। जिन 5 पॉइंट में से 5वां पॉइंट लास्ट पॉइंट मेरा फेवरेट है, जो आप जरूर अच्छे से सुनना और समझना, बिकॉज वो बहुत पावरफुल पॉइंट है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लक बना सकते हो और वो सब अचीव कर सकते हो जो मैक्सिमम लोगों को लगता है कि बस लकी लोग ही अचीव कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रिपेयर योरसेल्फ टू बी लकी। ऑथर बोलते हैं कि लक और चांस में डिफरेंस होता है। लॉटरी जीतना लक नहीं होता है, बल्कि वो सिंपली चांस और प्रोबेबिलिटी का गेम है। इनफैक्ट ऑथर बोलते हैं कि रियल लक तब फॉर्म होता है जब टैलेंट, हार्डवर्क और चांस, ये तीनों चीज इंटरसेक्ट होती है। एग्जाम्पल, 2016 में एक्सपर्ट्स मानते थे कि इंग्लिश फुटबॉल टीम लीसेस्टर सिटी के प्रीमियर लीग को जीतने की जो चांस है वो 5000 में से एक है, जिसका मतलब वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज थी। और डेटा भी उनके साथ था, बिकॉज पिछले कई सालों से वो टीम ने लगातार बहुत खराब परफॉर्म किया था, और लास्ट टाइम जब वो फाइनल्स में पहुंच पाए थे तब 1928 में ये चीज हुई थी। लेकिन फिर 2016 में कुछ अलग हुआ। इस बार वो टीम ने एक्सेप्शनली बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इनफैक्ट उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि वो प्रीमियर लीग जीत भी गए, जिससे सब लोग बहुत हैरान हो गए। और फिर लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि अरे किस्मत अच्छी थी उनकी, ये समझो ये वो 5000 में से एक साल था जब वो जीत गए। बट सच तो ये था कि इस बार उनकी प्लानिंग, उनकी प्रैक्टिस, उनका हार्डवर्क और टैलेंट बहुत ज्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से ही उनके जीतने के चांसेस इतने बढ़े और वो जीत भी पाए, जो मैक्सिमम लोग नहीं समझते। इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि अगर आप सिचुएशन को अच्छे से समझो, अपने अटेंशन को फोकस्ड रखो और एक सही स्ट्रेटजी प्लान करो, तो आप सक्सेसफुल होने के लिए अपने चांसेस को बहुत इंक्रीज कर सकते हो। एग्जाम्पल, समझो अगर आपसे मैं बोलूं कि एक डार्क टनल है जिसके एंड में ट्रेजर है, बहुत सारा पैसा है, पर हाँ ये बात याद रखो, जो लोग भी उसके अंदर जाते हैं उनमें से 1% लोगों की डेथ हो जाती है, जबकि 99% लोग वो ट्रेजर लेके आ जाते हैं। नाउ ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हो सकता है कि आप उसमें जाओगे, पर अगर मैं ये बोल दूं कि उनमें 1% नहीं बल्कि 50% लोगों की जान जाने के चांसेस होते हैं, तो फॉर श्योर आप उस टनल में जाने से डरोगे और बहुत ज्यादा चांस है कि आप वहां नहीं जाओगे। लेकिन अगर आप अपने दिमाग का सही यूज करो और सोचो, रिसर्च करो, इंटरव्यूज लो कि कैसे वो 50% लोग वापस आ पाते हैं सक्सेसफुली पैसे लेके, तो हो सकता है कि आपको पता चल जाए कि उनका सीक्रेट क्या है, कैसे वो सक्सेसफुल बने। शायद उन्होंने अपने साथ एक एक्स्ट्रा टॉर्च लिया था, एक्स्ट्रा खाना लिया था, या ऐसी कोई बात हो सकती है जो आप भी कर सकते हो और वो चीज अचीव कर सकते हो, जिसके बाद वो टनल के अंदर जाना आपको इतना रिस्की नहीं लगेगा। और यही चीज ऑथर बोलते हैं कि आपको समझना चाहिए अगर आप लकी बनना चाहते हो, जो है टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू बी लकी, जो बुक्स पढ़ के और मेंटर से सीख के आप कर सकते हो। सेकंड लेसन, पिक द स्टैटिस्टिक यू वांट टू बी। कई सारी स्टडी शो करती है कि अमेरिका में 33% लोग ओवरवेट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अमेरिका में रहते हो तो 33% चांस है कि आप भी ओवरवेट हो जाओगे। नहीं, देखो आप अपनी हेल्थ को खुद से चूज करते हो, डाइट और फिटनेस का ध्यान रख सकते हो, ऑल्दो आपके जेनेटिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, पर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से स्टैटिस्टिक का पार्ट होना है। कई लोग टीवी और सोशल मीडिया के अलग अलग स्टैटिस्टिक्स देख के मिसलीड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये डाइट को फॉलो करोगे, हमारा ये पिल यूज करोगे, तो आपके इस डिजीज को होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, जबकि शायद सच तो ये होगा कि ऑन एवरेज आपके पहले से ही उस डिजीज होने के चांसेस 0.001 थे। ऐसे ही कई बार स्टैटिस्टिक्स और नंबर्स को इंटरप्रेट करना ट्रिकी हो सकता है और हमें हमेशा उन पर बिलीव नहीं करना चाहिए। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स और ऑड्स सिर्फ नंबर्स होते हैं और हम जिस तरह के इमोशंस उनके साथ जोड़ते हैं वही हमारे एक्शंस को भी डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान 50% जीतने के चांस को पॉजिटिवली लेकर काम कर सकता है कि यार पूरे 50% चांस है जीतने के, जबकि दूसरी तरफ कोई बोल सकता है कि कोई फायदा नहीं है ट्राई करने का, 50% लोग उसके अंदर हार जाते हैं। एग्जांपल, डग रॉच जो ट्रेडर जोई
इस ग्रोसरी कंपनी के वन ऑफ द अर्लीस्ट एम्प्लॉय थे। जब वो सिर्फ एक छोटा सा स्टोर था, तब उन्होंने अपनी कंपनी के लिए कई सारे प्रॉफिटेबल डिसीजंस लिए थे। नाउ ऐसे ही वही टाइम पे उन्होंने सोचा कि उन्होंने इस कंपनी को एक्सपांड करने के लिए बोस्टन में एक स्टोर खोलना ही चाहिए, जो उनके करंट लोकेशन से 3,000 मील दूर था। नाउ जो कंपनी के सीईओ थे वो टाइम पे और जो ओनर थे, उन्हें ये आइडिया पसंद नहीं आया। इनफैक्ट कंपनी के जो फाउंडर थे जोई, उन्होंने डक को सीधा बोल दिया था कि ये आइडिया वर्क नहीं करने वाला है। डक का एक बहुत अच्छा फ्रेंड जो एक टूथपेस्ट कंपनी का मालिक भी था, उसने भी डक को बोल दिया कि ये आइडिया अच्छा नहीं है और ये बिजनेस प्लान काम नहीं करेगा, जो डक के लिए बहुत शॉकिंग था, बिकॉज उन्होंने होप किया था कि एटलीस्ट वो उन्हें सपोर्ट करेंगे। ना इतने सारे नेगेटिव ओपिनियंस मिलने के बाद भी वो अपने डिसीजन पे अड़े रहे और एक स्टोर वहाँ खोली दिया। ना ऑड्स डक के अगेंस्ट थे और शुरू में डक का बिजनेस बहुत स्ट्रगल कर रहा था, पर डक ने पेशेंस रखा क्योंकि उन्हें पता था कि सक्सेस बस रातों रात नहीं मिलती है, धीरे धीरे ही मिलती है। इसीलिए धीरे धीरे ही बिजनेस सीखते हुए, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हुए, फाइनली उनका स्टोर प्रॉफिटेबल होने लग गया और ऐसे ही करके वो एक के बाद एक स्टोर्स एक्सपांड करते गए, जिसका रिजल्ट 2008 में डग ट्रेडर जोई कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए। नाउ ये स्टोरी हमें यही लेसन सिखाती है कि कई बार सक्सेसफुल होने के चांसेस कम होते हैं, तब भी हमें ट्राई जरूर करना चाहिए और फेलियर के स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान देने के बजाय सक्सेस पार्ट पे फोकस करते रहना चाहिए, जो चीज आपको कई बार सक्सेस दे सकती है। लेसन नंबर 3, डोंट ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ अदर्स। मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि जब वो किसी इंसान को लकी होता देखते हैं किसी चीज में, तो फिर वो भी वो चीज को कॉपी करने लगते हैं, जो कि सही नहीं होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज और लक हमेशा मूव करते रहते हैं। इसलिए हमें वहां जाने के बजाय जहां सारी भीड़ जा रही है, खुद के लिए एक नया रास्ता बनाना चाहिए और हमेशा इस स्ट्रेट पाथ को फॉलो ना करने के इस बिहेवियर को साइंटिफिकली सिस्टमैटिक अनप्रेडिक्टेबिलिटी कहते हैं, जो कॉन्सेप्ट बताता है कि अनप्रेडिक्टेबली चीजें करना किसी भी स्पीशीज के लिए वन ऑफ द बेस्ट सर्वाइवल स्किल्स होती है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल होना कई बार हमें दूसरों से अलग कर देता है, जिसकी वजह से सर्वाइवल के ऑड्स भी बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल, डिक फॉसबरी जब छोटे थे तब उन्हें स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, पर उनके पास नेचुरल टैलेंट नहीं था किसी भी स्पोर्ट में। उन्होंने फुटबॉल बास्केटबॉल ट्राई किया था, बट वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने हाई जंप करना ट्राई करा। ना वो टाइम पे हाई जंप्स के दो तरीके थे जो उस टाइम पे बहुत पॉपुलर थे, पर जब वो उन पॉपुलर टेक्निक्स को यूज करते थे तो वो बहुत बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक डिफरेंट स्टाइल इन्वेंट कर दिया। उन्होंने बैकवर्ड फ्लिप करने का सोचा, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। ना ये नया तरीका यूज करने से हुआ ये कि वो पहले से बहुत ज्यादा हाई जंप करने लगे और फिर वो अपने इसी स्टाइल को प्रैक्टिस करते रहे। प्रोफेशनल्स को उनका ये स्टाइल जरा भी पसंद नहीं आ रहा था और वो उन्हें हमेशा क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। इनफैक्ट मैक्सिमम लोगों ने यही बोल दिया था कि ये सब करके तुम कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, पर ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली हुआ ये कि उन्होंने सबको सरप्राइज करके सबका मुंह बंद करवा दिया जब वो ओलंपिक्स में क्वालिफाई हुए और उसके बाद वहाँ गोल्ड भी जीते। देखो दोस्तों, अगर वो ये सोचते कि मैं बहुत अनलक्की हूँ, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, तो वो कभी कुछ नहीं कर पाते, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दूसरे के पाथ को फॉलो करने के बजाय खुद का न्यू पाथ इन्वेंट किया, जिसने उन्हें बहुत फॉर्चून बना के दिया। और यही लेसन है जो आपको समझना चाहिए कि नई चीजें ट्राई करो, बट हाँ याद रहे हर नई चीज अच्छी नहीं होती है, इसलिए हमेशा अपने आप से ऑनेस्ट रहो और चीजों को रियली देख के एक्शंस लेते रहो। लेसन नंबर 4, द पावर ऑफ परसिस्टेंस एंड पैशन। ऑथर ने कई सारे हाईली सक्सेसफुल एक्टर्स और डायरेक्टर्स के इंटरव्यू लिए, उनसे बातें करी, जिनसे बात करने पर उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया। पैटर्न ये था कि ये सारे सक्सेसफुल लोगों ने कभी हार नहीं मानी और वो अपने काम को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट थे। एग्जाम्पल, जोनाथन ग्रॉफ जो कि एक बहुत फेमस एक्टर थे, वो अपने आप को वर्ल्ड का लकीस्ट पर्सन मानते थे, क्योंकि उन्हें जब उनका पहला रोल ऑफर हुआ था, जिस मूवी की स्क्रिप्ट मिली थी वो बहुत अच्छी थी, हर चीज उसके अंदर परफेक्ट थी, जिसकी वजह से वो हिट भी हुई। नौ ऐसे सुनने से लगता है कि सब लक का काम था, बट ये सच नहीं था। बट सच तो ये था कि जोनाथन में एक्टर बनने का बर्निंग डिजायर बहुत पहले से था। जब वो छोटे थे तब उन्हें सिंगिंग का और स्टेज पे परफॉर्म करने का बहुत शौक था। हालांकि वो एक छोटे से गांव में बड़े हुए थे जहां कोई भी मूवीज के काम करने का सोच भी नहीं सकता था, पर जोनाथन वहां से एक्शन लेके निकले और न्यूयॉर्क आए, जहां उन्होंने एक्टिंग क्लासेस ली, वेटर की जॉब करी। और जब वो जॉब कर रहे थे तब उन्हें एक इंसान ने बोला कि तुम्हें एक एक्टर होना चाहिए, जिसके बाद उस इंसान ने ही उन्हें एक छोटा सा रोल ऑफर किया चैरिटी समझ के। नौ जोनाथन ने वो अपॉर्चुनिटी को समझा और उसे एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद परसिस्टेंटली वो थिएटर में परफॉर्म करने लगे, जहां वो लोगों से कांटेक्ट बनाने लगे और उनकी मुलाकात एक डायरेक्टर से हुई जो एक शो बना रहे थे यंग लोगों के लिए, जिसमें बहुत मेहनत से जोनाथन को रोल मिल गया और वो हिट भी हो गए। और यही थी पूरी सच्चाई। देखो दोस्तों, हो सकता है हमेशा चांसेस आपके फेवर में ना हो, पर अगर आप ट्राई करते रहोगे तो इससे आपके सक्सीड होने के चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल,
कई सारे फेमस राइटर्स जैसे जेके रॉलिंग ने डजन्स ऑफ रिजेक्शंस फेस किए थे पब्लिशर्स से, उसके बाद जाके किसी ने उन्हें हाँ बोला और वो इतने हिट हो पाए। आज के टाइम पे देखे तो हैरी पॉटर की 450 मिलियन कॉपी से ज्यादा सोल्ड हो चुकी है और हैरी पॉटर मूवीज ने $6 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू अर्न किया है। और ये सारी चीजें हो पाई रिजेक्शन फेस करने के बाद भी परसिस्टेंट रहने से और पैशनेटली काम करने से, जो आपको करनी चाहिए। लास्ट मेरा फेवरेट, द पिग्मेलियन इफेक्ट। साइंटिस्ट रॉबर्ट रोजेंथल और लेनोर जेकबसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्हें पता चला कि अगर टीचर्स किसी स्टूडेंट से अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा होता है कि फिर स्टूडेंट्स भी हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट भी ज्यादा अच्छे आने लगते हैं। जबकि जिन स्टूडेंट से बहुत कम एक्सपेक्टेशन रखी जाती है वो स्टूडेंट फिर पहले ही हार मान लेता है, ज्यादा मेहनत नहीं करता है, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही वो खराब परफॉर्म करता है। ना ऐसे बहुत से सिमिलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं पास्ट में जिनसे ये प्रूव होता है कि हायर एक्सपेक्टेशन बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और बेटर रिजल्ट्स नेक्स्ट टाइम के लिए हायर एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं और इसी को बोलते हैं द पिग्मेलियन इफेक्ट। सो बात यह है कि तो इससे समझने वाली बात यह है कि अगर हम ये बिलीव करें कि हम लकी है तो हम ज्यादा ऑप्टिमिस्टिकली और मोटिवेटेड बिहेव करेंगे जिससे फिर हमारे रिजल्ट्स भी कई बार हमें पॉजिटिव मिलेंगे। एग्जांपल, ऑथर एक फेमस साइंटिस्ट को जानती थी जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। वो जब भी किसी से इंटरव्यू लेते थे उनके साथ रिसर्च करने के लिए तो वो एंड में पूछते थे कि क्या तुम लकी हो, और जो भी इंसान नहीं बोलता था वो उसे सीधा रिजेक्ट कर देते थे भले से वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। ना उसका रीजन क्या था? वेल, रीजन ये था बिकॉज रिसर्च करते टाइम इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये बिलीव करें कि हम लकी है, क्योंकि कोई भी ओरिजिनल डिस्कवरी करने के लिए हमें नए और अनएक्सपेक्टेड चीजों को ट्राई करने के लिए ओपन रहना होता है, जो यूजुअली वही इंसान कर पाता है जो अपने आप को लकी समझता है। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सिमिलरली ऑथर ने एक नेशनल सर्वे किया था जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या आप अपने आप को लकी मानते हो। सो इसमें जो इंटरेस्टिंग बात उन्होंने नोटिस की वो ये थी कि एक इंसान का ये फील करना कि वो लकी है या अनलकी है वो किसी स्पेसिफिक फैक्टर पे नहीं था, मतलब भले ही किसी के पास पैसे थे या नहीं थे वो कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि जो लोगों के पास पैसे थे वो अपने आप को लकी समझते थे या जो सक्सेसफुल थे वो लकी समझते थे, जिससे उन्हें ये इम्पोर्टेंट बात समझ में आई कि आपका अपने आप को लकी या अनलकी बोलने के चांसेस इक्वल है किसी भी दूसरे इंसान से। इसीलिए लकी बनने के लिए हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए और बिलीव करना चाहिए कि हाँ हम ऑलरेडी लकी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप सच में काफी सारे लोगों से ज्यादा लकी हो। ये चीज को अभी मानो और कमेंट सेक्शन में लिखो हाँ मैं लकी हूँ, और कोई भी एक स्पेसिफिक रीजन लिख दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लकी हूँ कि आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो, मैं लकी हूँ कि आप इतने सारे वीडियोस को छोड़ के जो आप देख सकते थे आपने ये वीडियो देखने का चूज किया और आप मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो। मैं बहुत लकी हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, मेरे वीडियोस को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो। नो, ये सारी बातें मैंने आपको हाउ लक हैपेंस इस अमेजिंग बुक से बताई है जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अभी के लिए लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो। कमेंट करके बताओ कि आप अपने आपको लकी मानते हो या फिर अनलकी समझते हो। शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो अपने आपको लकी या फिर अनलकी समझते हैं। और सबसे मेन, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया है तो वो प्लीज दबा दीजिए और हमारे मिशन रीड इंडिया रीड का हिस्सा बने, जहां हम मिलकर लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा कर रहे हैं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।